11 पे है P2, बस एक ही पेज का है। तो मतलब P2 इज एट पेज नंबर 14 14 नहीं 11 लिखा रहा। हां 14 हां बताइए इसमें। यू आर प्रवीण पांडे। माय लॉर्ड आई एम प्रदीप पांडे, बट आई एम असिस्टेंट ग्रेड 2। इनका ऐसा कहना है कि उस पोस्ट पे दूसरा आ गया जिसका ट्रांसफर हुआ है, ही इज असिस्टेंट ग्रेड 3 माय लॉर्ड। द पोस्ट ऑफ पिटिशनर इज स्टिल वैकेंट। After that, we have filed a petition in which Honorable High Court had passed an order, my lord. आपने अभिमन्यु को पार्टी नहीं बनाया और ऑर्डर में इनकी प्लेस पे कोई भी नहीं आया था उस टाइम तक, इसलिए हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया। We are not concerned. High Court ने लिखा है कि till the representation of petitioner is decided, he shall be allowed to work at present place. इसका क्या मतलब होता है? Since no other person has joined on the post of the petitioner. कहाँ लिखा है? इसी में लिखा, ऑर्डर लास्ट पैरा में। हाँ, बट वहाँ पे उन्होंने 11/7 को ज्वाइन कर लिया था अभिमन्यु सिंह ने। तो इनकी जगह किसका ट्रांसफर हुआ? ये अभिमन्यु इन्हीं इसी आगे था। अभिमन्यु सिंह इज असिस्टेंट ग्रेड 3 माय लॉर्ड। हाँ, ये तो 3 इसी में लिखा 3 है ये तो। हाँ, तो 3 अलग होता, 2 अलग होता मैडम? सर एक्सेस के हिसाब से किया था, जो एक्सेस में थे तो ट्रांसफर। आपने किया था ट्रांसफर? नहीं सर, कलेक्टर ने ट्रांसफर। कलेक्टर साहब से आपको गाइडेंस लेना चाहिए ना। जी सर, वो उनको डिसाइड करना है सर। हाँ। बट सर जो ऑर्डर आप देखेंगे कलेक्टर सर का, तो ये 7/7 के ऑर्डर में इनको भार रिलीव कर दिया था, तो इस हिसाब से जो आपके लिए कलेक्टर का ऑर्डर बड़ा है या हाईकोर्ट का ऑर्डर? नहीं सर, हाईकोर्ट का ऑर्डर बड़ा है। हाईकोर्ट ने जब लिखा कि इनको आप काम करने दीजिए, तो क्यों नहीं ज्वाइन करा रहे? जी सर, क्योंकि वो बागली के लिए रिलीव कर दिया था, इसलिए सर इंटर रिलीव हाईकोर्ट को पता है, उसके बाद भी हाईकोर्ट ने कहा था करना है। जी सर, आप हाई कोर्ट के ऑर्डर का डिसेक्शन नहीं कर सकते। हाई कोर्ट ने जो लिखा उसको आप पढ़िए, जैसा लिखा वैसा पढ़िए। जी सर, यू सबमिट योर एक्सप्लेनेशन इन राइटिंग। जी सर, जी सर, और इनको अभी ज्वाइन कराइए। जी सर लेकिन तहसीलदार प्रेजेंट इन पर्सन, द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय हर इज नॉट एक्सेप्टेबल, लेट एन एफिडेविट फाइल बाय द ऑर्डर पास बाय दिस कोर्ट हैज नॉट बीन कंप्लाइड विद, विद इन 7 डेज फाइल करिए, उनको ज्वाइन कराइए। जी सर, जी सर, is directed to accept the joining of petitioner because he has been permitted to work at Devas till decision on his representation which has not been decided till date. Chali, so next week kar rahi hai, so week commencing kariye 28, explanation file kariye madam. 91